students i hope you all are doing good let's start today's chapter windows movie maker in this chapter you will learn about features of windows movie maker starting with windows movie maker components of windows movie maker adding photos adding videos trimming videos uploading photos and video clips from android phone adding music Working with animations, uh, rearranging media clips, splitting media clips, saving a project, exporting a movie, and publishing a movie. MS Windows Movie Maker, which is a part of Windows Essential Software Suite, it is used to integrate audio clips, video clips, and photos. It can also be used to make movies. It is a video editor program which allows you to add special effects transitions songs a recorder sound clip and caption to the movie thus you can create movies of selected pictures and clips for any special occasions like marriage parties family functions etc and can give it professional looks by integrating text and visual effects this can be done by importing images audio or video into the program and then manipulating these elements to produce the result. After creating and editing the video, you can publish it on social networking sites like Twitter, Facebook, Flickr, YouTube and also on OneDrive. this is your Windows, MS Windows Movie Maker, hai, actually your Windows Essential Software Suite ka part hai, okay and it is used to integrate audios, clips, video clips and photos. Isse मूवीज भी बना सकते हैं ये आपका वीडियो एडिटिंग प्रोग्राम है जो कि आपको जिसकी हेल्प से आप स्पेशल इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं ट्रांसक्शन ऐड कर सकते हैं सॉन्ग्स साउंड क्लिप है या कैप्शन है जो आप मूवी में ऐड कर सकते हैं ओके सो मूवीज़ आप क्रिएट कर सकते हैं सिलेक्टेड पिक्चर्स की और किस क्लिप्स की किसी भी स्पेशल ओकेजन के लाइक कोई मैरिज फंक्शन है फैमिली फंक्शन है पार्टीज़ है बर्थडे पार्टी है राइट right? तो ये प्रोफेशनल एंड इसको ये प्रोफेशनल लुक भी देता है ओके बाई इंटरग्रेटिंग टेक्स्ट एंड विजुअल इफेक्ट्स तो ये आप कहाँ से कर सकते हैं बाई इम्पोर्टिंग इमेजेस ऑडियो वीडियो इन टू द प्रोग्राम एंड देन इन एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करके जिससे आपका रिजल्ट प्रोड्यूस हो सके ओके अब आपने जैसे वीडियो क्रिएट कर ली एडिट कर ली इसके बाद अपने सोशल नेटवर्किंग साइट में पब्लिश कर सकते हैं जैसे ट्विटर पे फेसबुक पे यूट्यूब पे और इसके अलावा आप वन ड्राइव पे भी कर सकते हैं ओके फैक्ट फाइल विंडोज मूवी मेक अ वर्च फर्स्ट रिलीज इन 2000 विदाउट विंडोज मीन तो इसको सबसे पहले रिलीज किया गया था सितंबर 2000 में विद विंडोज़ एम ई बी चलिए फीचर्स देखते हैं फीचर्स क्या है विंडोज़ मूवी मेकर सबसे पहले फ्री फॉर ऑल विंडोज़ मूवी मेकर इज अ फ्री सॉफ्टवेयर इट इज़ अवेलेबल विद ऑल पीसीज दैट हैव एम एस विंडोज़ एम ई एंड एक्सपी ओके तो सबसे पहला फीचर इसका क्या है कि ये फ्री सॉफ्टवेयर है ओके okay? ये सभी पीसेज में आपके अवेलेबल है

थ्री ऑटो सेव यू डोंट नीड टू सेव द वर्क मैनुअली बिकॉज इट इज सेटोमैटिकली आफ्टर ऑर फिक्स टाइम स्पेंड सो द चासेज ऑफ डेटा लॉस इज रिड्यूस इवन मेन द पावर फेल्स अच्छा इसमें आपको देखिए वर्क को मैनुअली सेव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली एक फिक्स टाइम स्पेंड के बाद ये ऑटोमैटिकली सेव हो जाता है ओके okay? अगर बाई चांस पावर फेलियर हो भी गया तो जो चांसेस है ना डेटा लॉस के वो काफ़ी कम है ओके डू ग्रीन स्क्रीन

स्टोर और ऑडियो माइक्रो ओके अब इसमें देखिए ऑडियो फाइल्स को डाउनलोड करना पॉसिबल है ऑनलाइन लाइब्रेरी से ओके सिक्स ट्रांजिशन इफेक्ट्स यू कैन अपलाई ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स टू योर वीडियो वाइल्ड एडिटिंग विच कैन गिव प्रोफेशनल कैन अट्रैक्ट व्यूअर्स जब आप अपनी वीडियो को एडिट करें तो आप इसमें ट्रांजेशन इफेक्ट्स भी एड कर सकते हैं ओके सेवन ऑडियो फ्रॉम वीडियो ंडोज मूवी मेकअप प्रोवाइड द फीचर टू एक्सट्रैक्ट ऑडियो फ्रॉम विडियो फाइल और देखिये इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं विडियो फाइल में से आप ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ओके एट पिक्चर इन पिक्चर यूज दिस यूटिलिटी टू एड अ पिक्चर विद इन पिक्चर इसमें हम पिक्चर के अंदर पिक्चर को एड कर सकते हैं ओके okay?

इसमें आपके बहुत सारे बिल्ड टेम्पलेट्स हैं थीम्स हैं आपके अवेलेबल लाइक आपका पोस्ट कार्ड मेकर है कार्टून स्टोरी मेकर है ओके जिससे कि आप जो तो डिस्प्ले आपके प्रोडक्ट का उसको एनहांस कर सकते हैं ओके इलेवन वीडियो, द वीडियो बाय द पैकेज हैज लो रेजोल्यूशन एट प्रव्यू टाइम सो द सॉफ्टवेयर कैन रन इट इजली ऑन द कंप्यूटर ओके जो वीडियो बाय द पैकेज है इसका लोअर रेजोल्यूशन होता है प्रिव्यू टाइम पे तो सॉफ्टवेयर क्या है वो ईजिली आपका कंप्यूटर पर रन कर सकते हैं ओके नंबर ट्वेल्व आउटलाइन टेक्सट इफेक्ट्स बाई यूजिंग कस्टमाइज आउटलाइन टेक्सट इफेक्ट्स वन कैन एनहांस ओवरऑल क्वालिटी एंड रिडेबिलिटी ऑफ द मैसेजेस इन अ मूवी ओके कस्टमाइज ऑनलाइन टेक्सट इफेक्ट्स का भी यूज कर सकते हैं तो इससे ओवरऑल क्वालिटी जो है वो एनहांस हो जाती है रीडेबिलिटी जो है मैसेजेस की वो इसमें मूवी में वो भी आपकी एनहांस हो जाती है स्टार्टिंग विंडोज मूवी मेकर टू वर्क ऑन विंडोज मूवी मेकर विंडो फॉर द गिवन स्टेप्स अब आपको Windows Movie Maker पे वर्क करना है तो क्या करेंगे देखिए, ऑप्शन ऑन द मूवी मेकर नंबर टू द मूवी मेकर विंडो ओपन अच्छा देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे स्टार्ट पे, देन कर और देखिये आपका विंडो ओपन हो गया इज दूल बार देटल बार देन रिबेटर पेन जूम स्लाइडर चेंज थेल साइज मूवी कंट्रोल पैनल एंड स्टोरी बोर्ड टाइमलाइन पेन ओके कॉम्पोन ऑफ विंडोज मूवी मेकर अब देखिए विंडोज मूवी मेकर के कॉम्पोनेट क्या है उसे देखते हैं वे इज कॉम्पोनेट ऑफ विंडोज मूवी मेकर आर एजो वन quick access toolbar quick access toolbar is used to quickly access some commands like undo redo new project open existing project add music etc you don't need to explore the menu to use these commands ab dekhi quick access toolbar jaise kiske naam se hi suggest ho raha hai jaise koi cool, hum un commands ko quickly access kar sakte hain जैसे Undo है Redo है New Project है Existing Project को open करना है right? आपको explore करने की उसको जरूरत नहीं है menu पे इन commands को use करने के लिए Number two, Title Bar.

आपका रिबन होता है जिसमें आपके टैब्स एंड ग्रुप्स होते हैं ओके आप टैप को ओपन कर सकते हैं आपको जस्ट क्लिक करना है और उसके जो असोसिएटेड ग्रुप है जिसमें आपके वेरियस कमांड आपकी नजर आएंगे फाइव प्रिव्यू मॉनिटर पेन

फॉरवर्ड कर सकते हैं प्लेयर स्टॉप कर सकते हैं ओके सेवन प्रीव्यू फुल स्क्रीन दिस बटन इज यूज टू प्ले द फुल स्क्रीन प्रीव्यू ऑफ द मूवी फुल स्क्रीन प्रीव्यू देखना आपको मूवी का तो उसके लिए हम इसका यूज करेंगे इस बटन का ओके एट स्टोरी बोर्ड और टाइम पेन यूज दिस पेन टू कंट्रोल द प्लेसमेंट ऑफ द मीडिया नेविगेट थ्रू क्लिप्स यू कैन स्प्लिट देम एंड ऑर्गेनाइज देम इन सिक्वेंसिस इस पेन का आप यूज़ करेंगे जो मीडिया का प्लेसमेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए ओके देन यू कैन नेविगेट थ्रू क्लिप्स और आप उन्हें स्प्लिट कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सीक्वेंसेस में नाइन चेंज थंबनेल साइज द थंबनेल्स ऑफ द फोटोज एंड वीडियो क्लिप्स इन स्टोरी बोर्ड कैन बी रीसाइज टू लार्ज स्मॉल और मीडियम आइगनस जो थंबनेल्स होते हैं ना फोटोज के एंड वीडियो क्लिप्स के स्टोरी बोर्ड में आप उनको रीसाइज कर सकते हैं लार्ज या स्मॉल या मीडियम आइगन्स

Three, and add videos and photos dialog box opens. Four, select the photo or type the name in file name text box and click open button. Five, the desired photo is opened in storyboard. You can see its preview in the preview monitor pane. Okay. अब आपको क्या करना है देखिए इसमें सबसे पहले आप जाएंगे होम टैप पे क्लिक करेंगे यहाँ से हम आर्ट मूवीज़ को सिलेक्ट करेंगे ओके okay? आपका एड मूवीज एंड फोटोज डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है आप फोटो को सिलेक्ट करेंगे या नेम को भी टाइप कर सकते हैं फाइल इन टेक्स्ट बॉक्स में एंड देन ओपन बटन अब देखिए ये हमारा फोटोज ओपन हो गई अब जो भी फोटो हमें चाहिए इनको हम प्रिव्यू कर सकते हैं स्टोरी बोर्ड में आपके ओपन है नाउ यू हम इन्हें प्रिव्यू कर सकते हैं प्रिव्यू मॉनिटर पेन पे ओके चल नेक्स्ट Adding videos. To add video clips in the movie, follow the given steps. 1. Click on Home tab. 2. Select videos and photos from the group add. 3 and add videos and photos dialog box opens. 4. Find the video you want to add in the documents. Select the video, type the name in file, name text box, and click open button. You will see that the video has been added to the storyboard. You can see its preview in the preview monitor pane. Okay. Now, you again, click have home tab फिर यहाँ से आपका जो ग्रुप ऐड है यहाँ से वीडियोज एंड फोटोज को सेलेक्ट करेंगे अब आप ये आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है अब वीडियो देखिए जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना चाहते हैं या वीडियो सेलेक्ट करेंगे या फिर हम अब फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स में नाम टाइप कर सकते हैं ओपन बटन पे क्लिक करेंगे अब आप देखिए आपका जो वीडियो है वो स्टोरी बोर्ड पर ऐड हो गया है है ना और इसको हम प्रिव्यू कर सकते हैं प्रिव्यू मॉनिटर पेन पर फैक्ट फाइल होल्ड कंट्रोल की टू सेलेक्ट मल्टीपल फोटोज अगर आपको मल्टीपल फोटोज को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल की को होल्ड करके रखेंगे ओके Trimming videos. You can trim the video and hide the unwanted parts from it. On playing, it will play only the selected and parts of the videos. To trim the video, follow the given steps. अच्छा देखिए, आप वीडियो को ट्रिम कर सकते हैं और आपको लगता है कुछ अनवांटेड पार्ट्स हैं आपने हाइड कर सकते हैं। तो जब आप वीडियो को प्ले करेंगे तो सिर्फ सिलेक्टेड पार्ट को ही वो प्ले करेगा, right? तो देखिए वीडियो को कैसे ट्रिम करना है? Number one, select the video from the storyboard. Two, click on the edit tab. Three, go to the group name editing. From this menu, select the option trim tool. 4. You will see two bars at the start point and end point, which are called left end bar and right end bar, respectively. 5. Click and drag the left end bar to reset the start point, and similarly, click and drag the right end bar to set the end point. 6. Suppose you know the exact starting. सल बटन ओके चलिए देखिए आप वीडियो को ट्रिम करते हैं सबसे पहले आप क्या करेंगे स्टोरी बोर्ड से हम वीडियो को सिलेक्ट करेंगे फिर एडिट एप पर क्लिक करेंगे एडिटिंग जो ग्रुप है यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ट्रिम टूल को ओके अब आप देखिए आपके पास दो बार नजर आ रहे हैं इसमें एक है आपका लेफ्ट एंड बार और एक है आपका राइट एंड बार ओके तो क्लिक और ड्रैग करेंगे लेफ्ट एंड बार को स्टार्ट पॉइंट को रिसेट करने के लिए इसी तरह से राइट एंड बार से हम करेंगे एंड पॉइंट को सेट ओके okay? अगर आपको एग्जैक्टली exactly पता है कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग टाइम्स क्या है वीडियो को तो हम वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट में ओके okay? ये आपका फिर ट्रिमिंग प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका है इसके बाद हम सेव करेंगे आपके ट्रिम टूल बार में है सेव ट्रिम बटन और अगर आप वीडियो को ट्रिम नहीं करना चाहते हैं, तो आप कैंसिल बटन पे क्लिक कर देंगे ओके ओके नाउ अ प्रोजेक्ट वर्क इज आप को इसे खुद से करना है ओके अपलोडिंग फोटोज एंड वीडियो क्लिप्स फ्रॉम एंड्रॉयड फोन इट इज़ पॉसिबल टू अपलोड फोटोज एंड वीडियो क्लिप्स फ्रॉम एंड्रॉयड फोन टू द कंप्यूटर सिस्टम अच्छा देखिए अब आपके एंड्रॉयड फोन से या फोटोज एंड वीडियो क्लिप्स को अपलोड कर सकते हैं देखिए कैसे सेट योर एंड्रॉयड फोन इन अनलॉक स्टेट टू प्लग वन एंड ऑफ द यू एस बी केबल इन टू योर एंड्रॉयड फोन कनेक्ट इट्स अदर एंड टू योर कंप्यूटर टू ओपन विंडोज मूवी मेकर फोर क्लिक ऑन फाइल मेन्यू अ ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन फाइव सिलेक्ट इम्पोर्ट फ्रॉम डिवाइस ऑप्शन 6. You will see a message box notifying photos and videos will be imported into Photo Gallery. 7. Click OK button. 8. An import photos and videos window opens. Select the device from which you want to import the videos and click Import button. 9. A process of locating photos and videos from your device will start. 10. After successful we'll import, of all videos and photos, the photo gallery window will pop up on the screen. 11. To add and use the photos or videos in the movie, click on the checkbox on the upper left corner of the photo or video. 12. Click on the movie option in share group in create tab. 13. The selected videos and photos will get added to the storyboard. 14. Save your file. चलिए देखिए आपको कैसे करना है सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपका जो एंड्रॉयड फोन है ना उसको अनलॉक स्टेट में सेट करना है ओके okay. अब आपने जो यूएसबी केबल का एक एंड है उसको अपने एंड्रॉयड फोन से प्लग इन करना है एंड दूसरा एंड आपने कंप्यूटर से करना है ओके okay. नाउ आपने ओपन करना है विंडोज मूवी मेकर फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे और ये लिस्ट में से आप चूज करेंगे इंपोर्ट फ्रॉम डिवाइस ओके अब देखिए मैसेज आपको आ रहा है फोटोज एंड वीडियोज विल बी इम्पोर्टेड इन टू फोटो गैलरी तो ओके okay बटन पे क्लिक करेंगे ओके okay. अब देखिए ये आपका विंडो ओपन हो गया है अब डिवाइस को सिलेक्ट करना जहां से भी आप वीडियोस को इम्पोर्ट करना चाहते हैं एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे इम्पोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे ओके फिर अब देखिए अब ये जो प्रोसेस है फोटोज एंड वीडियोज की लोकेटिंग का ये आपका स्टार्ट हो गया उसके बाद आप जैसे वीडियोज एंड फोटोज को आपने इम्पोर्ट कर लिया है अब ये देखिए विंडो फोटो गैलरी ग्या, विंडो पॉपअप हो गई है स्क्रीन पे फिर फोटोज एंड वीडियोस को यूज करें ऐड करेंगे यूज करेंगे देन क्लिक करेंगे, करेंगे चेकबॉक्स पे जो आपके अपर लेफ्ट कॉर्नर में फोटो वीडियो के ओके नाउ आप क्लिक करेंगे शेयर ग्रुप में जाएंगे एंड देन यहाँ पे मूवी ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है अच्छा अब देखिए जो भी वीडियोस एंड फोटोज हमने सेलेक्ट की थी अभी आपके स्टोरी बोर्ड पे ऐड हो चुकी हैं ओके नाउ फाइल सेव करनी राइट नेक्स्ट एडिंग म्यूजिक म्यूजिक और ऑडियो कैन बी एडेड इन द मूवी टू मेक इट मोर एंगेजिंग इट इज पॉसिबल टू एड एन ऑडियो क्लिप रिकॉर्डेड फ्रॉम माइक्रोफोन और सम म्यूजिक डाउनलोडेड फ्रॉम ऑनलाइन लाइब्रेरीज एंड देम टू द दीडियोज वेन यू प्ले द मूवी द ऑडियो विल ऑल्सो बी प्लेड इन द बैकग्राउंड ऑडियो जो है आप मूवी में ऐड कर सकते हैं आप कैसे ऐड करेंगे देखिए या तो आप माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर कुछ जो म्यूजिक आपका डाउनलोडेड है उनको आप अपने वीडियो में एड कर सकते हैं तो जब आप मूवी को प्ले करेंगे तो ऑडियो भी आपका बैकग्राउंड में प्ले होता रहेगा तो देखिए इसमें आपको दिए गए हैं ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट जो विंडोज मूवी मेकर सपोर्ट करता है लाइक आपका डॉट ई एस टी डॉट डब्ल्यू में एक्सेट्रा ओके चलिए स्टेप्स देखते हैं हाउ टू एड म्यूजिक स्टेप्स टू एड म्यूजिक आर गिवन बिलो गो टू होम टैब फ्रॉम द एड ग्रुप सिलेक्ट एड म्यूजिक बटन थ्री द एड म्यूजिक डायलॉग बॉक्स ओपन फोर ब्राउज द कंटेंट फ्रॉम द फोल्डर्स सेल्व द फाइल ऑफ योर चॉइस क्लिक ओपन बटन ग्रीन बार विल डिस्प्लेड एट द बॉटम ऑफ विडियोज एंड म्यूजिक फाइल हैज बीन इम्पोर्टेंट सक्सेसफुली चलिए सबसे पहले हम जाएंगे होम टैप पे फिर एड ग्रुप से हम सिलेक्ट करेंगे एड म्यूजिक बटन को ओके अब ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया आपका अच्छा अब देखिए अब ये जो फोल्डर्स है इनमें से हम कंटेंट को ब्राउज कर सकते हैं और कोई भी फाइल हम अपनी चॉइस चो, का सिलेक्ट कर सकते हैं नाउ क्लिक करेंगे ओपन बटन अब देखिए ग्रीन बार आपका डिस्प्ले हो रहा है वीडियोस एंड इमेजेस के बॉटम में इसका मतलब जो म्यूजिक फाइल है वो इम्पोर्ट हो चुकी है सक्सेसफुली ओके नेक्स्ट वर्किंग विद एनिमेशन एड एंड ट्रांजेशन वी हैर्न अर्न अबाउट एनिमेशन एंड ट्रांजेक्शन इन एमएस एस पॉलर पॉइंट टू विंडोज मूवी मेकर ऑलसो प्रोवाइड फीचर ऑफ एड एंड एनिमेशन एंड ट्रांजेक्शन अप्लाइड वेन यू प्रोसीड फ्रॉम वन इमेज और वीडियो टू अदो तो देखिए आपने एनिमेशन एंड ट्रांजेशन के बारे में एम एस पावर पॉइंट्स टू थाउजेंड सिक्सटीन में पढ़ा था बट ये ऑप्शन ये जो फीचर हैं आपके ये आपके विंडोज़ मूवी मेकर में भी है ओके okay? और इसको आप अप्लाई कर सकते हैं इन इफेक्ट्स को जब आप प्रोसीड करेंगे फ्रॉम वन इमेज और वीडियो टू अन अदर

4. When you move the mouse over the effect, you can have a preview of the animation. 5. So select any effect you like and click on apply to all button. 6. A small triangle shape will appear in a storyboard with respect to the video or image for which you had used the animation effect. 7. Now play the movie and see how you have performed. Okay. Subsequent koibi image. वीडियो क्लिप आप अपनी चॉइस का सिलेक्ट करेंगे ओके okay? फिर एनिमेशन टाप पे क्लिक करना है आप यहां पे देखिए बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं एम एंड जूम इफेक्ट्स हैं आपके रिबन पे राइट right? जब आप माउस को मूव करेंगे ओवर द इफेक्ट तो आपको एनिमेशन का प्रिव्यू मिलेगा है ना एंड देन देखिए अब आप, आप इसमें से कोई भी इफेक्ट सेलेक्ट करेंगे एंड देन हम क्लिक करेंगे अप्लाई टू ऑल अब एक छोटा सा ट्राइंगुलर शेप आपको मिल दिखाई दे रहा है स्टोरी बोर्ड में ओके okay. अब आप मूवी को प्ले करेंगे और देखिए हाउ यू हैव परफॉर्म ओके फैक्ट फाइल टू रिमूव द एनिमेशन क्लिक ऑन द ब्लैंक इफेक्ट नो ट्रांजिशन ऑप्शन इन ट्रांजिशन ग्रुप और पैन एंड जूम ग्रुप अगर आपको एनिमेशन को रिमूव करना है तो आप क्लिक करेंगे ब्लैंक इफेक्ट पे जो आपके ट्रांजिशन ग्रुप में है या फिर पैन एंड जूम ग्रुप में Now applying visual effects. Visual effects consist of various effects that can be added to photos and videos. You can change the color, add a ripple effects or other stimulating effects to enhance the appeal of movie. To add visual effects to the video, follow the given steps. 1. Select the image or video on which you want to apply the visual effect. 2. Click on the visual effects tab. 3. A list of various effects is displayed as shown in the figure. 4 when you scroll the mouse over the effect you can have a preview of it select the effect you want to apply 5 use the brightness option to set brightness and darkness in the video or image this setting is independent of visual effects 6 for setting brightness click on brightness option you will see a slider bar moving which you can change the brightness 7 after completing selections click apply to all 8 notice the icon at the top left corner of the image which indicates that the visual effects has have been applied successfully Nine, play the movie and see the effects that you have applied on the media clips देखिए, विजुअल इफेक्ट्स में आपके बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जो आपके आप अपने फोटोज में या वीडियोस में ऐड कर सकते हैं आप कलर चेंज कर सकते हैं रिपल इफेक्ट ऐड कर सकते हैं ओके बहुत सारी चीजें हैं आपके पास तो देखिए आप कैसे करेंगे सबसे पहले तो आपको वीडियो या इमेज को सिलेक्ट करना है जिसमें भी आप विजुअल इफेक्ट को अप्लाई करना चाहते हो ओके देन वी विल क्लिक ऑन विजुअल इफेक्ट्स टैग अब देखिए बहुत सारे इफेक्ट्स आपके डिस्प्ले हो रहे हैं राइट right? आपको जैसे जैसे आप देखिए इसमें स्क्रोल कर रहे हैं माउस को आपको प्रिव्यू भी नजर आ रहा है तो कोई भी इफेक्ट हम इसमें से चूज करेंगे ओके okay? फिर ब्राइटनेस को सेट करना है या डार्कनेस को तो हम ब्राइटनेस ऑप्शन का यूज करेंगे ओके okay? ब्राइटनेस को सेट करने के लिए ब्राइटनेस ऑप्शन पे आपने क्लिक किया अब देखिए अब इसमें आपका ये स्लाइडर नजर आ रहा है जैसे आपके फोन में भी ना होता है राइट उसको ब्राइट तो आप इसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं ओके okay? और जब सिलेक्शन आपका कंप्लीट हो जाए देन आप क्लिक करेंगे अप्लाई टू ऑल अब देखिए ये जो आइकन है आपका जो लेफ्ट कॉर्नर में है ना आपके इमेज के ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपने आपका जो विजुअल इफेक्ट है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो गया अब नाउ आप मूवी को प्ले करेंगे और देखिए किस तरह से आपके जो इफेक्ट्स है वो अप्लाई हो गए हैं मीडिया ओके नेक्स्ट ऑटो मूवी थीम्स ऑटो मूवी थीम्स आर इन थीम्स विच ऑलरेडी कंटेन ट्रांजेक्शन एंड अदर इफेक्ट टू अप्लाई मूवी थीम्स फॉलो द गिवन स्टेप्स। ऑटो मूवी थीम्स आपके इन थीम्स होते हैं जिसमें आपके ऑलरेडी ट्रांजेक्शन या दूसरे इफेक्ट्स होते हैं तो इसे कैसे अप्लाई करेंगे देखिए क्लिक ऑन होम टैब देयर आर मेनी बिल्ड इन थीम्स इन द मूवी थीम्स ग्रुप

Title is some text which is added at the beginning of the movie or clip. To add title, follow the given steps. Number one, click on the clip to add a title to it. Two, go to home tab. 3. In add group, select the title button. 4. A slide will appear on the screen. It has a text box with a black background. 5. Click inside the text box. 6. A text toolbar opens with Various formatting options. Clipboard. You can cut, copy, or paste the text. Font. It contains various options like changing font face, size, color, grow, or shrink the text, bold, or italicize the text. Paragraph. It includes a transparency option and alignment options. Adjust. The adjust option is used to change the color of background, edit text, or set the timings of the appearance of text in music. Effects The effect you want to apply on the text, outline size, and color of the text. 7. Now type the text in the text bo box, which will be set as a title. 8. Format the text with the help of the text toolbar. Deke. टाइटल आपका टेक्स्ट होता है जो आपका मूवी के बिगिनिंग में होता है ना ये क्लिप के बिगिनिंग में होता है तो आप टाइटल कैसे ऐड करेंगे सबसे पहले तो आप क्लिप पे क्लिक करेंगे ओके okay? टाइटल को ऐड करने के लिए देन होम पे गए फिर ऐड ग्रुप में देखिए टाइटल बटन है ना इसको सेलेक्ट करना है न. अब देखिए एक स्लाइड आपका अपीयर हो रहा है स्क्रीन पे और इसके इसमें देखिए टेक्स्ट बॉक्स भी है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्लिक करेंगे अच्छा आप देखिए टेक्स्ट टूल बार ओपन होता है इसमें बहुत सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शन आपके राइट जैसे कि क्लिप बोर्ड है इसमें आप क्या कर सकते हैं आप कट कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को फॉन्ट है इसमें आपके बहुत सारे ऑप्शन है जैसे कि फॉन्ट फेस साइज कलर इनको आप चेंज कर सकते हैं बोल्ड या टाल साइज कर सकते हैं टेक्स्ट को पैराग्राफ इसमें आपका ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन है अलाइनमेंट ऑप्शन है राइट राइट की अलाइनमेंट आपका लेफ्ट होगा सेंटेड होगा या राइट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एड जस्ट ये एडजस्ट ऑप्शन जो है इससे हम जो कलर है बैकग्राउंड का उसको चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं टाइमिंग्स जो है अपेरेंस ऑफ टेक्स्ट की म्यूजिक में उसको सेट कर सकते हैं और इफेक्ट्स जो भी आप इफेक्ट अपने टेक्स्ट में अप्लाई करना चाहते हैं आउटलाइन साइज या कलर ऑफ द टेक्स्ट ओके चलिए अब आप टाइप करेंगे टेक्स्ट को ये जो टेक्स्ट बॉक्स है अब आपका ये एज अ टाइटल आपका सेट हो जाएगा ओके okay? फॉर्मेट करना है अगर टेक्स्ट को तो ये हम कर सकते हैं टेक्स्ट टूल बार की हेल्प से राइट right? next adding caption a caption is a text information which can be added to the individual clip to add a caption follow the given steps 1 click on the clip or image to add a caption to it 2 go to home tab 3 go to the group add select the option caption from it 4 a text box will appear at the bottom of the clip or image 5 टेक्स बॉक्स एंड टाइप द टेक्स इट विल अप्योर एज द कैप्शन ऑफ द क्लिप सिक्स यू कैन फॉर्म एट और एडिट द टेक्सट बाई द टेक्सट टूल बार ओके अब कैप्शन आपके लिए टेस्ट इंफॉर्मेशन होती है जो हम इंडिविजल क्लिप में एड ऑन कर सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आपको क्लिक करना है क्लिप पे या इमेज पे कैप्शन को एड करने के लिए ओके फिर आप जाएंगे होम टैप पे फिर ग्रुप एड पे जाएंगे और यहां से कैप्शन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे ओके? Okay? अच्छा देखिए अब ये टेक्स बॉक्स आपका अप्योर हो गया ना क्लिप के बॉटम में फिर हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखेंगे और टाइप करेंगे टेक्स्ट को अब ये एज अ कैप्शन आपका अपीयर होगा ओके okay? आप फॉर्मेट भी, भी कर सकते हैं टेक्स्ट को एडिट भी कर सकते हैं बाय द टेक्स्ट टूल बार ओके नेक्स्ट एडिंग Credits is again a text information that can be added at the end of the movie. Steps to add credits follow the given steps. 1. Go to Home tab, go to the group add. From the given option, select credits. 3. A blank slide opens with the text box. 4. Click in the text box and type the text that will appear as credit at the end of the movie. 5. When you see the credits option in the home tab, a small drop-down arrow can be seen in the lower right corner of the button. Click on that button, a drop down list opens. 7. Select Credits option to add a blank credit in the project. 8. To add the information about the movie director, select the option Director. 9. Select Starring option to add information about the stars in the movie. 10. Select Location option to add information about the location. 11. Select Soundtrack option to add information about the soundtrack. टेल्व नाउ प्ले द मूवी चेक वेद द क्रेडिट्स कैप्शन एंड दाइटल चलिए अच्छा क्रेडिट्स कैसे ऐड करेंगे अगेन आपका क्रेडिट्स से भी टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होता है ओके okay? जो आप मूवी के एंड में ऐड कर सकते हैं सबसे पहले आप जाएंगे होम टैप पे फिर अगेन आप जाएंगे ग्रुप ऐड में और यहां से आप करेंगे सिलेक्ट क्रेडिट्स को ओके okay? अब आपका एक ब्लैंक स्लाइड ओपन हो गया ना टेक्स्ट बॉक्स के साथ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट को टाइप करेंगे जो आपका आस्क क्रेडिट एंड ऑफ द मूवी में आपका अपीयर होगा ओके ओके अच्छा जब ये क्रेडिट्स ऑप्शन है देखिए आपके होम टाइप में तो एक छोटा सा ड्रॉपडाउन डाउन एरो जो है आपका ये राइट right कॉर्नर में आपको नजर आ रहा है बटन के ओके okay. इस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉपडाउन लिस्ट ओपन हो गया अच्छा देखिए यहाँ से हमने क्रेडिट्स ऑप्शन को सिलेक्ट किया ब्लैंक क्रेडिट को ऐड करने के लिए अगर देखिए इसके बाद आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं लाइक डिरेक्टर और स्टारिंग लोकेशन साउंड ट्रैक आपका आ रहा है ना अगर मूवी डिरेक्टर के बारे में आपको इन्फॉमेसन ऐड करनी है तो हम डायरेक्टर चूज करेंगे ऑप्शन ठीक है स्टारिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो इसमें आपको स्टार्स जो मूवी के स्टार्स हैं उनकी इन्फॉमेशन देनी पड़ेगी लोकेशन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको लोकेशन के बारे में बताना पड़ेगा और साउंड ट्रैक ऑप्शन को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको साउंड ट्रैक इन्फॉर्मेशन को ऐड करना पड़ेगा ओके चलिए अब नाव हम मूवी को प्ले करेंगे और ये देखेंगे क्रेडिट कैप्शन और जो टाइटल है वो करेक्ट है कि नहीं है ओके? नाउ वी विल प्ले द मूवी नाउ वी कैन सी दी देखिए क्रेडिट कैप्शन एंड टाइटल जो हमने डाले थे ओके रीअरेंजिंग मीडिया क्लिप्स ऑल द मीडिया क्लिप्स आर अरेंज्ड इन दर्डो यू हैव एडेड देम इन द स्टोरी बोर्ड वेन यू प्ले द मूवी दे आर प्लेड वन आफ्टर द इन इन द सेम ऑर्डो But it is possible to change the order of media clips according to your requirements. To arrange the media clips, follow the given steps. One, select the clip which you want to move at some other location. Two, press the left button of movie, move the mouse to drag the image to a location of your choice. Three, drop the image at desired location. Four, using same drag and drop method, you can arrange the clips in movie. Okay, here. media clips ko. जितनी भी आपकी जो मीडिया क्लिप्स है वो अरेंज होती है जिसमें आपने उन्हें स्टोरी बोर्ड पर ऐड किया है okay, ओके तो जब आप मूवी को प्ले करते हैं तो ये एक दूसरे सेम ऑर्डर में आती हैं राइट बट आप इस ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं ओके okay, मीडिया क्लिप्स के ऑर्डर को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो देखिए कैसे करेंगे सबसे पहले क्लिप को हमने सेलेक्ट करना है जैसे हम दूसरी लोकेशन पे मूव करना चाहते हैं ओके okay, अब लेफ्ट बटन जो है मूवी का उसको प्रेस करेंगे आप उसको मूव करेंगे इमेज को ड्रैक करने के लिए ओके okay? और हम इसे दूसरे लोकेशन पे लेके जाएंगे ओके okay? सेम ये जो ड्रैग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से हम क्लिप्स को अरेंज कर सकते हैं मूवी पे ओके okay? ये हमें कौन सा कहां पे चाहिए राइट स्प्लिटिंग मीडिया क्लिप्स मीडिया क्लिप कैन बी स्प्लिट इन टू पार्ट एंड यू कैन अप्लाई एनिमेशन इफेक्ट इन दैम इन ऑर्डर टू स्प्लिट द वीडियो क्लिप फॉलो द गिवन स्टेप्स 1. Select the video in the storyboard which you want to split. 2. A black vertical line will appear at the left side of the selection. 3. Move this line to that part of the movie from where you want to split as, as shown in the figure. 4. Now go to edit tab. 5. Select the split option in editing group. 6. The video will split up. Its two parts will be visible in the storyboard. सेवन सिमिलरली यू कैन स्प्लिट द पार्ट इन फोर्दो पार्टिंग सेम मेथोड इन अपलाई इफेक्ट ऑन इंटरवर्सुअली देखिए जो वीडियो क्लिप है ना उसको हम पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं एंड देन एनिमेशन इफेक्ट उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं ओके okay. तो कैसे करेंगे देखिए वीडियो को स्प्लिट सबसे पहले आपने वीडियो को सिलेक्ट करना है जिसे हम स्प्लिट करना चाहते हैं okay. अब देखिए ये ब्लैक लाइन आ गई है ना आपकी सिलेक्शन के लेफ्ट साइड अब इस लाइन को आपने मूव करना है वीडियो के इस पार्ट में जहां पे आप चाहते हैं इसे स्प्लिट करना ओके okay? फिर अब हम जाएंगे एडिट टैब में और एडिटिंग ग्रुप में हम हमारे पास है स्प्लिट ऑप्शन ना इसको सिलेक्ट करेंगे अब आपकी वीडियो जो है स्प्लिट अप हो गई है इसके दो पार्ट्स आपको विजिबल अब देखिए नजर आ रहे हैं ना स्टोरी बोर्ड में इसी तरह से आप इसके जो फर्दर सब पार्ट है अप्लाई कर सकते हैं ओके ओके इज अ प्रोजेक्ट वर्क गिविंग टू यू एट टाइटल कैप्शन एंड क्रेडिट्स टू द मूवी देखिए दिस प्रोजेक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग ओके तो इसे आप खुद से करेंगे सेविंग अ प्रोजेक्ट आफ्टर क्रिएटिंग योर प्रोजेक्ट यूनिट To save it for future reference, to save the project, follow the given steps. 1. Click on File, a drop down menu will pop up before you. 2. Select the Save Project or Save Project as option. 3. A Save Project dialog box opens. 4. Give the name of your choice to the project in the File Name text box. 5. Click Save button.

क्लिक करेंगे फाइल पे और ये देखिए ड्रॉप डाउन मैंने आपका पॉपअप हो गया अब इसमें से देखिए सेव प्रोजेक्ट या सेव प्रोजेक्ट एज ऑप्शन को चूज करेंगे सेव प्रोजेक्ट आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है कोई भी नाम अपने प्रोजेक्ट को दे सकते हैं एंड देन सेव बट ओके अगर आप पहली बार अपने प्रोजेक्ट को सेव करें तो सेव प्रोजेक्ट एंड सेव प्रोजेक्ट एज ये सेम टास्क परफॉर्म करते हैं ओके okay. अगर आप अपने को सेव करते जिसमें आपने चेंजेस किए ओके तो आप यूज करेंगे सेव प्रोजेक्ट ऑप्शन को तो सेव प्रोजेक्ट एज को आप यूज कर सकते हैं कॉपी क्रिएट करने के लिए प्रोजेक्ट की विद डिफरेंट नेम ओके फैक्ट फाइल व्हेन यू क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन बटन ऑफ सेव मूवी ऑप्शन अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट वीडियो फॉर्मेट्स इज डिस्प्लेड चूज एनी फॉर्मेट एन विच यू वॉन्ट टू सेव योर वीडियो देखिए जब आप क्लिक करेंगे ना ड्रॉप डाउन बटन में सेव मूवी ऑप्शन पे तो एक लिस्ट डिफरेंट वीडियो फॉर्मेट की आपके डिस्प्ले होगी तो कोई भी फॉर्मेट आप इसमें से चूज कर सकते हैं जिसमें आप अपनी वीडियो को सेव करना चाहते हैं राइट नेक्स्ट एक्सपोर्टिंग अ मूवी टू एक्सपोर्ट द मूवी फॉलो द गिवन स्टेप्स वन सेलेक्ट द क्लिप विच यू वॉन्ट टू एक्सपोर्ट टू नाउ क्लिक ऑन होम थ्री क्लिक ऑन द सेव मूवी बटन इन शेयर ग्रुप 4. A save movie dialog box opens. 5. Give a name of your choice to the movie in the file name box. 6. Click on Save button. 7. You will see a movie maker processing bar. It will show the export process. 8. After completion of process, movie maker processing bar disappears and another box opens which asks you to open or play the movie. 9. Click on play. डिफॉल्ट मीडिया प्लेयर ऑफ एम एस विंडोज मूवी टेन और स्टिल फ्रॉम द मूवी इज बिलू तो आपको क्या करना है मूवी को आपने करना है एक्सपोर्ट तो कैसे करेंगे सबसे पहले क्लिप को सिलेक्ट करना है जिसको आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं फिर हम होम पे क्लिक करेंगे फिर शेयर ग्रुप में आपके पास देखिए सेव मूवी बटन है इस पर क्लिक करेंगे अभी आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है फाइल नेम बॉक्स में देखिए कोई भी नाम आप दे सकते हैं अपनी चॉइस का मूवी को ओके okay? फिर सेव बटन पे क्लिक करेंगे और अब आप देखिए मूवी मेकअप प्रोसेसिंग बार आपको नजर आ रहा है है ना ये एक्सपोर्ट प्रोसेस को दिखा रहा है फिर जैसे ही प्रोसेस आपका खत्म होगा ये डिसअपियर हो जाएगा और दूसरा बॉक्स ओपन होगा जो आपको पूछेगा ओपन और प्ले द मूवी फिर हम प्ले पे क्लिक करेंगे और जो डिफॉल्ट मीडिया प्लेयर है ना मेस्ट विंडो का ये मूवी को प्ले करेगा Okay, learn more. When you click on the drop down button of save movie option, a list of different video formats is displayed Choose any format in which you want to save your video. Same thing jo maine aapko pehle batayi ki jab aap drop down button जो है ना save movie option का उसपे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे different video formats आपके displays होंगे। आप कोई भी format choose कर सकते, right? Next, publishing a movie. After the completion of your Project, share it with people. You can publish it on any social networking site like YouTube, Facebook, or Twitter. Follow the given steps. One, go to File menu, move your mouse pointer on Publish Movie Caption option, a cascading menu opens. Three, choose any of the surveys from the list where you want to publish your movie. See OneDrive. Four, when you click on OneDrive, a dialog box opens. It asks you to choose the resolution of the movie. 5 choose any resolution according to your choice 6 a window will pop up it will ask you to sign in into a microsoft account 7 in next select the album in which the movie will get uploaded 8 click on publish button the process of publishing will start 9 after the successful completion of the publishing a message box appears notifying the successful completion टेन लॉक इन टू द माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट एट एंड एन वॉच द मूवी अच्छा देखिए अब आपने क्या किया है कि आपका प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है आप इसे लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप इसे पब्लिश कर सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट में लाइक आपका यूट्यूब है फेसबुक है या ट्विटर है ओके उसके लिए आपको करना क्या है देखिए सबसे पहले आप जाएंगे फाइल मेन्यू पे ओके फिर यहाँ पे आपका जो पब्लिश मूवी ऑप्शन यहाँ पे आप अपने उस पॉइंट को मूव करेंगे अच्छा देखिए अब आप कोई भी सर्विस लिस्ट से अपनी चूज कर सकते हैं जहां पे आप पब्लिश करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने किया वन ड्राइव ओके ओके और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ अब ये आपसे रेजोल्यूशन पूछेगा मूवी का तो कोई भी रेजोल्यूशन अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप देख सकते हैं ओके ओके अब विंडो पॉपअप हो गई है अब ये आपसे पूछ रही है टू साइन इन टू माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट फिर आप एल्बम को सिलेक्ट करेंगे जिसमें आप मूवी को अपलोड करेंगे फिर क्लिक करेंगे पब्लिश बटन में आपका जो प्रोसेस है पब्लिशिंग का स्टार्ट हो गया पब्लिशिंग के कंप्लीशन पे मैसेज बॉक्स अपीयर होगा नोटिफाइंग द सक्सेसफुल कंप्लीशन ओके फिर आप कभी भी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पर लॉग इन कर सकते हैं ठीक है कभी भी मूवी को देखने के लिए राइट समरी पॉइंट्स विंडोज मूवी फोटोज वीडियो क्लिप्स एंड ऑडियो क्लिप्स एंड क्रिएट अ The green screen allows you to add some destination place or desired place to the background of your picture without being there physically. Windows Movie Maker is freely available software which comes standard on virtually every Windows PC. It is possible to apply transition effects to videos at the editing stage various inbuilt templates and themes like postcard maker cartoon story maker photo card maker reach maker etc available which can be used to enhance the display of product the storyboard a timeline pane is used to control the placement of media you can navigate through clips split them and arrange them as desired in sequential menu. you can trim the video and hide unwanted parts from it when played it will play only the selected and unhidden parts of the video you can upload photos and video clips from your Android phone to your computer system. After finalizing the project, you can share it with the audience by publishing it on any net social networking site like Twitter, Facebook, YouTube, etc. Students, I hope you found chapter interesting laga hoga and chapter ki practice khud se karenge.